ये जी इसका क्रम जितना है जी, रिकॉर्ड बताया था मेरे मामा ने 20 किलो। ये जो आप रिबन देख सकते हैं भाई, जो दादरी मेले में जो भाई फोर्थ पोजीशन पे रहा था वहाँ पे। अजय रेड्डू डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी भाइयों को राम राम भाई। तो आज एक बार फिर पहुँचे हैं जी गांव सीसरखास, तहसील मैम, जिला रोहतक में भाई। जो भी अपना गांव है सीसरखास, यहाँ की पहले भी वीडियो लेके आए थे जी, जो अपनी वीडियो थी अनिल मास्टर जी के घर से, वहाँ पे भी काफ़ी आपने उस वीडियो को भी काफ़ी अच्छा लाड प्यार दिया था, जो भी आपने देखी करिश्मा जोटी और लक्ष्मी जोटी, उसी गांव से भी ये वीडियो लेके आ रहे हैं। और भाई इसी गांव में एक प्रवीण फौजी जी का जो मुर्रा जो भी पंचायती बुल है जो प्रवीण फौजी ने दिया था, वो भी इसी गांव से है भाई। और भी लगातार वो भी अच्छी सर्विस दे रहा है। और भाई हम भी बिल्कुल भाई अच्छा प्रयास कर रहे हैं अच्छे से अच्छा पशुधन दिखाने की कोशिश में भी लगातार एक के बाद एक कवरेज कर रहे हैं। और भी आप भी बहुत अच्छा लाड प्यार दे रहे हैं भाई, इसके लिए भी सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद करते हैं। तो जी आज की जो वीडियो है हमारी सीसरखास गाँव से भाई, जो भी लगातार लगभग मेरे हिसाब से हर पंचायत को कोई भी घरेलू पशुधन रखता कोई डायरी वाला है, लगभग भी डिमांड रहती है कि भाई कोई अच्छा बुल दिखाएं। और भाई जो पंचायत के लिए छोड़े जाते हैं क्योंकि भाई कोई अच्छा बुल है, अच्छी माँ का दूध का रिकॉर्ड है, तो भाई उन्हीं बुलों को लगभग मेरे हिसाब से पंचायत रखती है और भाई रखना भी चाहिए। तो भाई आज की वीडियो में आपको दिखा रहे हैं जी एक चार दांत कटड़ा, काफ़ी शानदार है भाई, जो भी मेलों में भी गया और भाई प्रदर्शनी में बिल्कुल अपना स्थान। और भी लगातार कवरेज के हिसाब से आप लगातार जुड़े रहे, तो भाई आज जो भी भाई से जानकारी या पशुधन की वो लेंगे। भाई राम राम। नमस्कार जी। भाई साहब एक बार अपना नाम, गांव का नाम और फोन नंबर एड्रेस कंप्लीट। खास जिला रोहतक तहसील मैम। ठीक है जी। तो एक बार फोन, विशाल है। विशाल है जी, ठीक है। एक बार अपना फोन नंबर और बता दो भाई साहब। 8950-81-183। ठीक है जी, ये भाई का फोन नंबर है भाई। तो आज की वीडियो में कितना पशुधन दिखा रहे हो? ये जी अपने पास बुल है जी। अच्छा एक बुल है जी, ठीक है जी। तो ये भाई थोड़ा भाई करता है कटड़ा भाई, क्योंकि घर से बाहर आया तो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं जी, यहाँ पे कवर करेंगे तो उसके बाद चला के दिखा दियो। तो भाई आज की वीडियो में लगातार जुड़े रही हो, आपको भी एक चार दांत कटड़ा काफ़ी शानदार दिखा रहे हैं। तो बाकी की जानकारी भी भाई से लगातार लेते रहेंगे, लगातार वीडियो से जुड़े रहना भाई। तो विशाल भाई अपना जो बुल है चार दांत जो कटड़ा है, एक बार इसके बारे में पूरी जानकारी दो भाई, कितने दांत हो गया और भाई माँ का जो मिल्क रिकॉर्ड है और सब कुछ बताओ, एक बार डिटेल दो बुल की। ये जी इसका क्रम जितना है जी। हाँ जी हाँ जी। ये मैं मेरे मामा के पास से लेके आया था जी। ठीक है जी। 7-8 महीने का था जी ये। ठीक है जी। और इसका मदर रिकॉर्ड बताया था मेरे मामा ने 20 किलो। अच्छा। मैं 18 करके लेके आया था। अच्छा आपने जो मदर मिल्क रिकॉर्ड है वो 18 मान लिया था। हाँ ठीक है जी। अगले ने बताया 20 किलो। हाँ जी ठीक है जी। कौन से गांव से लेके आए थे आप ये? ये मैं लेके आया था जी कोला से, दादरी के पास जो लंबा कोला से, वहाँ से। लंबा कोला जो दादरी के पास गाँव है। हाँ जी वहाँ से लेके आए थे। हाँ जी। तो भी भाई ने बुल के बारे में भाई बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया कि भाई, और जी दादरी मेले में फोर्थ पोजीशन हासिल कर चुका है जी। अच्छा ठीक है, वो करते रहेंगे मुजफ्फरनगर मेले में भी जी। ठीक है जी। जो भाई ने बताया भी कि दादरी मेले में इस बुल की भी फोर्थ पोजीशन आई थी, और उसके बाद कौन सी प्रदर्शनी में बता रहे हो आप? यहाँ पे मुजफ्फरनगर पे। और भाई ने बताया कि चार दांत कटड़ा है, और भाई ने मदर मिल्क रिकॉर्ड भी बताया जो 20 किलो, लेकिन भाई इसको 18 किलो का मान के लेके आए थे। और भाई ने इस बुल का नाम करमवीर रखा है भाई, काफी शानदार बुल है करमजीत। हाँ जी ठीक है जी। भाई ने करमजीत नाम रखा भाई बुल का, और काफी भाई अच्छी हाइट लेंथ, और भाई ये देखो भाई सिंगों की क्वालिटी देखो। और भाई ये जो आप रिबन देख सकते हैं भाई, जो दादरी मेले में जो भाई फोर्थ पोजीशन पे रहा था वहाँ पे भाई कटड़े को सम्मानित किया गया था। और भाई ये आप सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं वहाँ का, ये देखो मुजफ्फरनगर का जी। ये देखो भाई ये जो सर्टिफिकेट आपको दिखा रही है मुजफ्फरनगर का है, जो ये कटड़ा कॉन्सोलेशन प्राइज में रहा था। ये देखो भाई विशाल रोहतक, और भाई बिल्कुल भाई का पूरा पूरा एड्रेस इस पे दिया गया है, जो ये कटड़ा भी वहाँ पे कॉन्सुलेशन में रहा था। तो भाई ये लगातार कवरेज चल रही है, और ये देखो भी सिंगों की क्वालिटी देखो कटड़े की, काफ़ी शानदार बुल है भाई। और ये पीछे से आपको भी बिल्कुल अच्छे से कवर करके दिखाएंगे। ये देखो भाई जो पीठ की क्वालिटी है, जो भाई काफ़ी हाइट लेंथ का कटड़ा है, और ये नीचे से टेस्टिकल देखो भाई। जो भी सर्दी का टाइम चल रहा है तो हो सकता है आपको लगे भी थोड़े सिकड़े हुए हैं, लेकिन भाई बुल के लगभग मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे टेस्टिकल हैं। जो भी लगातार डिमांड रहती है भाई पंचायत की कोई भी घरेलू पशुधन जो भी रखता है डायरी पे रखता है डायरेक्ट क्रॉसिंग के लिए रखता है, तो भाई लगभग मेरे हिसाब से लगातार डिमांड रहती है बुलों की। तो भाई एक बार कैमरे के सामने आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बुल के पास आ जाओ। तो आपने बिल्कुल अच्छे से जानकारी दी। हाँ आपके गाँव के हैं जो अनिल मास्टर जी हैं, उनके भी घर पे काफ़ी अच्छा पशुधन रहता है, जो अपनी करिश्मा जोटी है लक्ष्मी जोटी है। तो मेरे हिसाब से अनिल जी के जो मतलब जो पशुधन है उसको देख के, अनिल जी की मेहनत को देख के, काफ़ी भी पूरा का पूरा गांव
काफी अच्छी मेहनत कर रहा है आपका गांव। हाँ जी, क्योंकि जागरूकता फैली है। हाँ जी, जो अच्छे पशुधन चैंपियन पशुधन रखे अनिल जी ने, तो आप मतलब किस हद तक कितना अच्छा इस चीज को मानते हैं कि भाई अनिल जी को देख के आप कितना संतुष्ट हैं उसके पशु? हाँ जी, बिल्कुल, आप जागरूक हो गए उनके पशुधन को देख के। अनिल मास्टर जी ने बताया था। अच्छा, आपका बोल अच्छा है। एक दिन गाड़ में बंद रहा था ये, तो अनिल मास्टर जी बोला इसको मेले में लेके चल, इसको देख ले एक बार मेले में ले जा। बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन मैं इसको मेले में लेके गया था चरखी दादरी। अच्छा, पहले आप चरखी दादरी लेके गए थे जहाँ फोर्थ पोजीशन पे रहा। हाँ जी बिल्कुल, ये देखो भाई, अनिल जी ने जो एक युवा पशुपालक है उसको सलाह दी थी कि भाई आपका कटड़ा काफ़ी शानदार है, क्योंकि भाई अनिल जी भी काफ़ी लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हैं। आप भी वीडियो में बिल्कुल करीब से अनिल जी को भी देख सकते हैं, क्योंकि भाई काफ़ी फेमस चेहरा है जो ब्रीड लाइन पे, जो मुर्रा ब्रीड पे काम किया अनिल जी ने, काफ़ी अच्छा काम किया है। तो भी आज की वीडियो में भी जो युवा पशुपालक है उसका साथ देने के लिए अनिल जी भी आए हैं। तो भाई लगातार आप कवरेज में देख सकते हैं, ये देखो भाई कटड़े को, काफ़ी शानदार कटड़ा है भाई, रोब रुतबा काफ़ी शानदार, और भाई खड़ा होने का जो तौर तरीका है वो देखो भी। तो भाई एक बार खोल के दिखाओ कटड़े को, चला के दिखाओ। उस साइड ले लियो, उस साइड ले लो। हाँ हाँ हाँ, उस साइड ले लो। ये देखो भाई, जो बुल का भाई चलने का रोब रुतबा है, जो भी तरीका है बुल का चलने का, आप बिल्कुल क्लियर से देख सकते हैं, क्योंकि भाई हर वीडियो में हम कोशिश करते हैं भाई जो पशुधन है उसको बिल्कुल करीब से बिल्कुल अच्छे से कवर करें। और भाई काफ़ी शांत कटड़ा है, ये देखो भाई, काफ़ी जो भी बुल की चाल है, जो रोब रुतबा है वो काफ़ी शानदार है। लिया भाई, इस साइड लिया, बांध लियो एक बार, इस यहाँ पे बांध लियो। ये देखो भाई, काफ़ी शांत स्वभाव का कटड़ा है, और भाई लगातार जो डिमांड रहती है बुलों की, उसी के भाई उसी मकसद को पूरा करते हुए आज सभी भाइयों के लिए जो वीडियो लेके आए हैं, एक चार दांत कटड़ा है, भाई ने भी बिल्कुल संपूर्ण जानकारी जो दी है। अच्छा छोटे भाई, एक बार ये और बताओ कि फादर साइड कौन सी है, कौन से बुल का कटड़ा है ये? M29 का है जी। M29 का है, कंफर्म हो आप? हाँ जी कंफर्म है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भाई भाई का कॉन्फिडेंस है उससे पता चल रहा है कि भाई बुल M29 का है, और भाई अपने व्यूवर्स हैं खुद समझदार हैं भाई कटड़े को देख के, आप भी बता सकते हैं भाई M29 का, बिल्कुल भाई हमें भी लग रहा है कि भाई M29 का ही ये कटड़ा है। तो भाई ये बताओ, आप सेल करना चाहोगे? ना जी, सेल नहीं कर रहे अभी इसको। तो वैसे भी किसी पंचायत को भाई, कोई भी डायरी वाले को, कोई अच्छा पशुपालक हो जो शौकीन है, सेल नहीं कर रहे, सेल करेंगे तब बता देंगे। वैसे भाई मैं लगातार भाई का स्क्रीन पे फ़ोन नंबर डाल दूंगा, आप भाई भाई से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, अगर किसी भाई को पसंद आए तो भाई आप भाई से बात कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी के लिए भाई ने मना कर दिया सेल के लिए, क्योंकि भाई अच्छा शौक है भाई को, जो युवा पशुपालक है, एक छोटी उम्र में भाई बहुत अच्छा शौक लगा भाई को, तो भाई अभी तो भाई सेल के लिए मना कर रहे हैं। तो भाई आगे लगभग मेरे हिसाब से प्रदर्शनी की भाई की फुल तैयारी है भाई, और आगे जो भाई की सलाह है जो भाई सेल करने की है या फिर प्रदर्शनी में लेके जाना है, क्योंकि भी लगभग शौक रहता है युवा पशुपालक को कि भाई अपना जो अच्छा पशुधन तैयार किया है उसको भी प्रदर्शनी में लेके जाएं, क्योंकि भाई जो भी अच्छा पशुधन है उसको प्रदर्शनी में लेके जाते हैं, जो भी भाई पोजिशन पर रहता है तो उसकी एक अलग ही वैल्यू होती है पशुधन की। तो भी जिस भी भाई को जो भी जानकारी लेनी है भाई, आप अपने छोटे भाई से संपर्क कर सकते हैं, भाई का लगातार स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, जो भी जानकारी लेनी है भाई भाई से लें। तो भाई एक बार फिर से सभी भाइयों का धन्यवाद है, सभी भाइयों का राम राम भाई।